अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरा जुनेद और आप देख रहे हैं जूम इन। नाजरीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है और बहुत सारे लोग, बल्कि बेशतर लोग उनको उनके मियाँ के शायद नाम से जानते होंगे, साबका मियाँ के नाम से जानते होंगे, लेकिन मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम जब देखा सोशल मीडिया के ऊपर तो मुझे उनका काम इतना खूबसूरत लगा। इतनी खूबसूरती से काम करती हैं, इतना प्यारा बोलती हैं कि बिना किसी तारुफ़ के मैं उनकी फ़ैन हो गई थी और मुझे लगा था कि इनके अंदर बड़ा स्पार्क है और मुझे ये आगे पीछे कुछ नहीं पता था। और आज मैंने उनको ख़ास आप लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया है और मिलते हैं अबीरा से। अस्सलाम वालेकुम अबीरा। वालेकुम सलाम। मैं आपके काम की सबसे पहले फ़ैन हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि आप कौन हैं और किससे ताल्लुक़ है, क्या है, और चलते चलते हम आ जाते हैं फिर आज के जो आपके इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले क्लियर करूँगी कि एक तरह से डिस्क्लेमर दूँगी कि हम जब भी किसी मेहमान को यहाँ अपने पास बुलाते हैं तो उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारा कोई मकसद, ना तो हम कोई पुलिस हैं, ना FIA हैं, ना कुछ और हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हर बंदे को ये राइट है इस कुर्सी पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। तो हमने सजाद भाई से भी रابطہ किया था लेकिन वो रابطہ नहीं हो सका, तो उनके लिए भी ये कुर्सी हाजिर है। अगर उनको लगे कि मैं कहीं गलत हूँ या अबीरा कहीं गलत है तो ज़रूर आएँ और हमें अपने दिल की बात करें। तो हम वापस आते हैं अबीरा के पास। अबीरा, मुझे बड़ा शौक था आपसे मिलने का, बड़ा खूबसूरत काम आपका जब मैं देखती थी, इतनी रवानी, इतना फ्लो, तो माशाल्लाह शुरू से शौक था। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत तारीफ कर दी। मैं लगता हूँ मैं थी उड़ उड़ के बाद जाना दीवारा ची। हाँ जी, शौक सी क्योंकि स्टडी सी इंज दी की थी, मैस कम्युनिकेशन च ग्रेजुएशन। तो कई लोग पंजाबी सुनते हो कहते पता नहीं किसी पाकिस्तान के एंड वाले पिंड की आ पढ़ी लिखी नहीं पंजाबी बोलन का हरगिज मतलब यह नहीं आ कि अगला बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता। तो ये लोगों का माइंड इंज का बने, आप चेंज नहीं कर सकते। तो शुरू तो शौक सी, पंजाबी भी पढ़ी सी, स्टार्ट किया। शुक्र आ रब का, रब का करम आज कि लोगों ने इन्नी इज्जत इन्ना प्यार दिता। तो मैं आती हूँ, छोटा सा जो आपका ये इशू, छोटा सा तो नहीं, खैर आपकी तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा इशू है, ये पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे घूम रहा है, फिर रहा है, हर बंदा अपने मतलब की बात निकाल रहा है और अपने मतलब के मुताबिक उसे बयान कर रहा है। तो जाहिर है आपकी ज़िंदगी तो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुई है इससे, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ में है आप हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सजाद जानी भाई, भाई है मेरा वो भी, तो उन्होंने एक, उनका मैंने इंटरव्यू मुख्तलिफ देखे, तो उन्होंने बीच में ये एक बात कही कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं शादी करके जो छोड़ता जाऊँ करता जाऊँ छोड़ता जाऊँ करता जाऊँ, बेशक ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन उसमें उन्होंने जो आप पे एक इल्ज़ाम लगाया वो ये कहा कि जी ये इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, ये क्यों कर रही है, और ये हर किसी को कहती है मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं और लोगों को बचाना चाहती हूँ। तो पहले ये आपसे जानने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी, ये कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं और आपका ये मकसद है तो ये कोई बुराई नहीं है। मैं कैंसर से गुजरी पिछले साल और मैंने उसके बाद जब ठीक हुई तो पहला प्रोग्राम कैंसर पे किया और मैंने कहा कि लोगों को बताऊं, अवेयरनेस दूं कि ये कैंसर है और इससे ऐसे बीमार होते हैं, उसमें ये इश्यूज आते हैं और इससे आप बच सकते हैं, इसे डरना नहीं है, आप मरने से बच सकते हैं। तो वो एक जिस्म की बीमारी है। तो तलाक या मियां बीवी का जो मसाइल है वो आपके रिलेशंस की बीमारी है, वो रिलेशंस का कैंसर है जी। तो उस पे अगर आप बात करके किसी को बचाना चाहती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप चाहती हैं, क्योंकि वो खुद भी मान रहे हैं कि चार शादियां हैं मेरी। तो अभी एक गल सुनो, एक ते पांच शादियां, दूजी गल एक शख्स तड़ले नाल चैनल आते बह के कह रहा ओ भाई मैं एक जिंदगी बर्बाद करा, दो करा, तीन करा, थानू की मेरी जिंदगी है ना, कि साडी जिंदगी साडी नहीं जेडी बर्बाद हो रही है, असि नहीं बोल सकते, असि गूंगे हो जाइए। क्यों औरत नू मुकाम क्यों नहीं दिता जांदा मुआशरे दे विच, अज भी ओ पैर दी जुत्ती है औरत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यही इसी बात पे मैं मतलब इसमें ही ऐड कर रही हूँ जो उन्होंने ये बात कही, मुझे उस पर एतराज़ है कि वो कहते हैं कि ये मेरा जाती जिंदगी है,
जब आप एक मीडिया फेस बन जाते हैं, आप एक मीडिया का बंदा जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, और जब आप कुछ किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो एक आम बंदा, एक लेमैन, एक घर में बैठा आदमी, आम आदमी या एक घर में बैठी औरत से उसका जो स्टेटस है वो फर्क हो जाता है। बिल्कुल, वो अगर कुछ गलत करता है तो क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है ना, उसको बहुत सारे लोग उसके फैन है, वो उनके सामने जब ये कहता है कि मैं किसी से भी शादी करूं, छोड़ू, करूं, छोड़ू, दैट्स मीन कि ये इतना इजी है कि आप किसी की भी जिंदगी खराब करते जाएं और छोड़ते जाएं, तो इसका मतलब है वो सिर्फ वो एक अपनी जात से चार बंदियों को खराब नहीं कर रहा, वो अपने साथ जुड़े जितने लाखों उनकी जो फैमिली है, फैंस फैमिली है, उनके दिमाग भी खराब कर रहा है। बिल्कुल इस तरह ही है, वो बढ़ावा दे रहा वा ना कि मैं कर लिया ठीक है, हुण तुसी मेरे तो कॉमेडी भी सीखी, तुसी बड़ा कुछ सीखे, ये भी सीखो। ये आवाम क्यों नहीं सोचती जड़े कमेंट्स करते आके, मैं पहले उन्होंने को पूछना चाहती, मेरे भरा जड़े मुसलमान पाकिस्तानी, मैं उन्होंने ये पूछना चाहती हाँ कि अगर यही थोड़िया सगिया भैन हो, मैं थोनू भरा क्या आया कि तुसी ओरे वास्ते भी यही अल्फाज यूज करते, फिर क्यों उन्हें छड़ता, ब्याह कर लिया फिर क्यों उन्हें छड़ता, मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद हो, कोई किसी नू भार नहीं हैगा। मैं सोचा सी कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस वक्त तो मैं गुजरी, कैंसर तो भी भैड़ा सी वह वक्त, जो दिमाग दिल थोड़ा बंद हो जाए है ना, तो लड़ना बहुत मुश्किल से अपने आप नाल एक जंग होंदी है भाभी, वो मैं लड़ी आ, फिर और बावजूद लोगों को हंसाना बहुत औखा सी। और आराम नाल एक शख्स सारा कुछ करके निकल जाता तो कहता फिर की होया, मतलब और वास्ते कुछ नहीं, किसी की जिंदगी कुछ नहीं है, कोई बर्बाद होवे कुछ नहीं है, न्याणे रुल जान कुछ भी नहीं है। और वास्ते आपका एक बेटा है? हाँ जी माशाल्लाह, आपका एक बेटा है, तो आपका ये सेकंड मैरिज थी? हाँ जी, मेरे बच्चे दो ही है, इन्हां चो एक बेटा। अच्छा, हाँ जी। तो पहली जो शादी थी आपकी, उसमें क्या, मैं मतलब वो पूछ सकती हूँ, हाँ, उसमें क्या वजह थी, आपने वो आपकी सेपरेशन या डिवोर्स क्यों हुई? एक्चुअली भाभी उस वक्त मेरी एज, क्योंकि सिर ते फादर नहीं ना, तो यही होंगे मावा नूं कि धियां विआह दो फटाफट, तो मैं 15-16 साल दी सी, मैट्रिक किया सी, बस बाद चो मैं अपनी स्टडी जिहड़ी कंटिन्यू की, विआह करता, साडी फैमिली जल्दी कर दिंदे, तो एज का फर्क सी, उदों भी मेरी किस्मत माड़ी है भाभी, उदों भी एज का फर्क सी, वह काफ़ी व्डे से एज तो 42 दे सी है ना, तो मैं 15-16 साल दी, सो की सी कि चप्पा व्डिया के फैसले, अक्सर कहते ना कि व्डे फैसले कभी कभी गलत भी कर बैठते, सॉरी मैं अपनी वालदा कहना चाहवागी, मेरी वालदा ना इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, इन्हों के हथों भी होए ना, कोई दो आंसू डेग के डायलॉग मार देना तो वह हो जाते हैं, और लोगों दिन गल् च आ जाते हैं, तो बस उदों भी यही होया, लेकिन वो मार कुट हूँ की बंदा दसे कि वह बंदा नहीं सही, उन्हें हाँ जी, फिर हूँ जो दूजा बंदा भी इंजदा निकलिया, मेरा ना मरदा तो यकीन भाभी उठ गया, मैं इन्ना एनजाइटी आपकी शादी सजाद भाई के साथ, जिस तरह क्यों कहें 2 साल ना, 2 साल ही, 2 साल च भी भाभी कितने इस बंद ने मैनू दिन रात ना अजियत दी है, बस शुक्र है मैं खुश हाँ रब के फैसले से, रब जो करता बेहतरीन करता, इस जलालत तो गलाजत तो मैं निकली, लेकिन हूँ नैक्सट कदी आया एक औरत नू यकीन होएगा कि पहला भी इंजदा दूजा भी इंजदा, की जिंदगी है, दुनिया कहेगी अच्छा बंदे गलत आ तू सही आ, ओ भाई मेरे दो ब्याह वा ते मेरे दोनों एक्सपीरियंस नहीं चंगे निकले, ते मैं की करा, जो भी मैं सारे सामने आ, मैं समझदी हाँ कि मैं पब्लिक फिगर हाँ ना, मैनू कोई भी आके भाभी कोई सवाल करता मैं जवाब दिंदी, मैं कहती हाँ मेरी परसनल लाइफ, क्योंकि हूँ साड़ी फैमिली है, सानू देखने वाले ये साड़ी फैमिली है, असी बाकी गल्लां शेयर कर लेंगे हमदर्दी लैन वास्ते, जो अपनी जात ते गल आती तो परसनल हो जाती है, उंज तो बड़े दुख सुख फोल के हमदर्दी लै लैंदा, ते अज और ये परसनल हो गई गल। आपने कब ये फैसला किया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, या आपको डिवोर्स के बाद जो है ये सारी चीजें जो है आपने, मतलब क्योंकि लोगों को कई ऑब्जेक्शन ये है कि पहले आपने ये चीजें क्यों नहीं ओपन की? पहले क्यों नहीं की थी? भाभी ए बंदा ए भी झूठ बोलता पिया वा, अज थोड़े शो च मैं क्लीयर कर दा, ठीक है, इस चीज़ का प्रूफ भी आ, केस भी इसी चीज़ का किया जड़ा लोगों को पता नहीं, मैं इतने केस भी इसी चीज़ का किया, इन्हें ना 2022 की तलाक लिख के रखी, तो मैं यह जी मैं पता ही नहीं कि कोई तलाक भी तैयार करके रखी आ या हो गई आ या की आ, नॉर्मली मैं खुश हाँ, मैं ठीक हाँ, अच्छी लाइफ चल रही है, कोई ऑब्जेक्शन वो
तलाक कहाँ लिख मतलब लिख कर रखी हुई, किसके पास रखी हुई थी? आप आपको नहीं मिली? मैनू नहीं मिली। ए बंदा जांदा वा दुबई, आज तो कुछ महीने पहले गया से दुबई, उदो जाके मैंने एक पेपर भेजा व्हाट्सएप कर, उंज नहीं आई डिवोर्स, व्हाट्सएप ते पेपर ही आया हले तक भी। मैं क्या आ की 2022 की डिवोर्स दी क्यों? ते मैं इनू ना दरअसल डिवोर्स तो ना तकरीबन डेढ़ महीना पहले पता की कह रही, मैं क्या सज्जाद तुसी होर विआह कर लिया? मैनू अगे कह रहे अल्फाज के मैं तेनू दस नहीं सकता कुछ भी हले, क्योंकि जो तू लड़ना तू सारू दस देना है ना। मैं क्या मैं थोड़ी पहले गल कि दो किसी नू दसी आ, तुसी दस दो। कहिंदे नहीं मैं नहीं दसना। तो मैं उन्होंने कहा तुसी दस दो, अगो कहिंदे नहीं, हादसे च ना गल टालती। मैं आपको कैसे पता चला कि उन्होंने और शादी की? बुढ़ी है ना, बीवी हाँ, समझदी हाँ, औरत बड़ा कुछ फील कर लेंदी आ, मर्द दी नज़रां तो बोलन तो उठन बहन तो पता चलता कि साडा बंदा किन्ना बदल गया। जिहड़ा दिल तो चाहता होवे ना वो हर चीज़। मैं बड़ा किया इस बंदे ना। तो और तो बाद मैनू नहीं सी पता कि इस शख्स ने इनिया बुढ़िया एक टाइम तो रख नहीं सकता। मैं तो उंज कह दिंदा सज्जाद तेन एक चैनल चाहिए सी, मैं 100 चैनल कुरबान कर दिंदी। तू विआह होर करना सी, मैं तेनू कहिंदी जा कर लै, मैं नहीं सी रोकना। मैं होर तो रोकिया जिहड़ा मैं हूँ रोक लैना सी। मैनू पता सी औरत दा वस नहीं चलता जिन्हें घर वसाना होवे। मैं यतीमी की जिंदगी जी ली सी, तो मैं कहती सी मेरे न्याणे ना बेसहारा हो जाए। मैं इस चीज़ का डर सी भाभी, वरना होर किस्से बड़े खोलते रहेंगे सी, बहुत किस्से। मैं चुप चुप मैं हमेशा ही कोशिश करनी मेरे मूँह इस बंदे नू अजियत ना होवे। मैं इन्ना बर्दाश्त किया एक हस दी खेड़। तुस मेरे पहले शो देखोगे ना 3-4 साल में मैं शरारता किनिया कर रही ना, मैं वही तो बता रही हूं। कभी किसी ना पंगा, कभी किसी ना एवं शरारता। तो हूँ देखोगे ना कोई शरारत नहीं रही, एक हस दी खेड़ दी नू तुसी एंजाइटी का पेशेंट बनाता। कि वह हूँ एक कंडीशन होंगी भाभी कि आ मैं हूँ रोई हाँ ना, मैं पता 2 मिनट बाद मेरी रिकॉर्डिंग आ। इन्ना क लड़ना पैंदा ना अपनी जात नाल, सम टाइम रिकॉर्डिंग के दौरान भी इंज लगता कि रो पई हूँ ही रो पई। किन्ना मुश्किल कॉमेडी करना, करनी भी कॉमेडी। हाँ जी करनी भी कॉमेडी, बट वो कहता कुछ होया ही नहीं, कुछ भी नहीं होया। और वास्ते एक जिंदा नू उन्हें मार दिता, मैं अपने आप नू मरी हुई समझती। फिर भी कहता कुछ होया ही नहीं, मैं किता ही नहीं। वो इस स्टेज पे है कि कहते हैं मैंने आखिर पे आ गया हूँ और मैं ये आ गया और मैंने अब एंड पे पहुंच के ये सोचा करने का। आपने अपना क्या एंड क्या सोचा इस सब सारी सिचुएशन का एंड क्या है? मतलब आपने केस किया, उस केस का क्या स्टेटस क्या है इस टाइम? अभी मैं केस किया जो झूठ बोलता पैना बह के। दरअसल तुसी जेड़े पॉइंट फड़े हो ना बाकी एंकरा ने नहीं फड़े। तो मैं ये भी गल क्लीयर करना चाहती हाँ कि केस के बच्चे इन्हें की धांधली। मैनू इन्होंने थाने बिठा के ते आप ये चले गए, जड़े भी सीनियर सी उन्होंने फैसला फूसला करना सी। मैनू इन्ना नहीं पता DIG कर दे जड़े भी। तो उन्होंने जाके की कहा जा रहा अबीरा नहीं आई है ना, भाई मैं तो आई हाँ, मेरी लोकेशन उस दिन की कढ़ा लो, किन्ने घंटे मैं थाने बैठी रही। ये चीज़ा नहीं कटानियाँ ना, क्यों कटाण? इस मुल्क च पैसा सिफारिश चलती भाभी, कख भी नहीं कुछ भी नहीं। मैनू लगता सी लै इंज कंज हो सकता वा, मैनू इंसाफ क्यों ना मिलेगा, मेरे को सारे प्रूफ आ, मैं प्रूफ कर सकती हाँ। मैं सारिया चीज़ा आप नाल जाके दिखाइया, आ लोकेशन आ कैमरे आ बैरिया टाउन आ, तुसी सारा देखो, उन्हों को रिकॉर्डिंग मंगो सारा कुछ। भाभी फिर भी इंसाफ ना मिले, मैनू तो हूँ इतने पाकिस्तान के कोई उम्मीद नहीं है। जो बाकी इनकी सारी बीवियां हैं, एक आपसे पहले आप सेकंड थी? नहीं नहीं सेकंड होर सी, थर्ड भी होर सी, मैं फोर्थ। अच्छा फोर्थ? हाँ जी पंजी, माशाल्लाह सोहनी है ओ, मेरे नालों ते सोहनी। तुसी भी कर लीजिए। नहीं भैया अगर सोहनी होंगी तो फिर अगे काम वधदा नहीं ना। तो जो पहली है उनमें से भी बच्चे हैं? हाँ जी माशाल्लाह 3 बच्चे उन्होंने। ओ तो आप मिलती थी उनसे जब? मैं कभी नहीं मिली उन्होंने, बच्चिया ना मिली। अच्छा हाँ जी। तो अब आप ये केस का भी दरमियान में रह गया, आप चाहती क्या है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अब आप... मैं कुछ नहीं सी चाहती, ठीक है। इन्हों की सेकंड वाइफ का एक
क्लिप आया या इंटरव्यू वो सेकंड है। हां जी सेकंड। आई थिंक कि वो पांचवी वाली है। नहीं 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 पंचवीं तो बेचारी इस टाइम ना एंजॉय कर रही है क्योंकि कुछ महीने हुए ब्याह नु ओनु भी जरा 2 साल बाद लो लगेगी हले नहीं हले वो एंजॉय कर रही है सपने देख रही थी जिस आसी देखे थे ना वो सपने आ जा हले कोई गल नहीं मैं तो सेकंड वाइफ का जो स्टेटमेंट आई जो आपने लगाई हुई है अच्छा तो वो सेकंड वाइफ जो है उसका क्लिप आपके पास कैसे आया था मेरे को नहीं आया अच्छा ये हेडलाइन से चली सी अच्छा ओ क्लिप मैं पता मैं रिकॉर्डिंग ते सी एक्टर मेनू भी नहीं से पता कि होया कि मैंने फोन जाने शुरू होए जब मैं फ्री हुई मैं फोन सुनया ते मेनू किसी जानन वाले का फोन आया देखे तो आ मैं क्या की कहते न्यूज़ के विच आ चलिया मैं क्या नहीं मेनू नहीं पता उन्होंने मैं क्लिप भेजा तो फिर मैं चैनल से जाके पता किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੌਬ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੀ ਨਕਲੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੁਣ ਸੋਕਣ ਸੋਕਣ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਜੋ ਬੀਵੀਆਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਥੀ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਆ ਥਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਵਿਆਹ ਵਾ ਇਹ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਮਾਰੀਆ ਅਸਲਮ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਸੇ ਉਨਕੋ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਜਾਦ ਬਈ ਕੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਉਨਕੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੀ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਬਸ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਸ਼ਿਆਰ ਚ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਔਰਤ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਵੀ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਹੀ ਅਬ ਆਗੇ ਕੀ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਬੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਈ ਭਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਬੀ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚਾਰੋ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਅੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਚਲੋ ਹੋਣ ਦੋ ਸੱਚਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚੇਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ ਜੋ ਆਪਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੋ ਉਨਕਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੋ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਝੇ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਉਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੋ ਨਹੀਂ ਉਠਾਤੇ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ
एडी छेती मरदा नहीं है, वो कहिंदा सी इन्हें जवान होना, पता नहीं मैं होना भी नहीं, 55 साल की उम्र हैगी हुण, बट ये आपां नहीं सो डिसाइड कर सकते कि उम्र आ, है ना। बिल्कुल। तो मैं वो वक्त देखने वास्ते जिंदा रहना चाहती, मैं दुआवां मांगती रब कोलों, और इस सवालों के जवाब वो खिंच देगा। भाभी जिम्मेदारी की, उन्हें साफ किया, कहिंदा चैनल दे दे मैनू, खर्चा मैं तेनों दे दिया करांगा। अच्छा, हुण दसो जरा, इंज कोई शोहर कहे, तुसीं भी माशाल्लाह शो करदे हो ना भाभी? मैं वकील भी हूँ। हाँ जी। तो जे भैन कहन कि भैया मैं, तुसीं अपना चैनल कर रहे हो, मैं तो खर्चा नहीं देना, मैं न्याण की जिम्मेदारी नहीं चकनी, तुसीं फिर की कहोगे कि चुल्हे च पाना बंदे नूं? यही हुंदा ना फिर, मैं बंदा की करना, कादा प्यो तू? आ हवाई रोजी हुंदी भाभी, कदी हलास नहीं। चैनल तो आपकी मेहनत है, आज चैनल को आप काम करना बंद कर देंगी तो वो चैनल अगले 6 महीनों के अंदर खत्म। एग्जैक्टली। हाँ जी। वो तो आपने जितना उसमें गुड़ डालती जाएंगी वो आपकी मेहनत है। हाँ जी। लेकिन उसमें चाहे इन्होंने बना के दिया था, लेकिन वो चल तो आपकी मेहनत से रहा है ना। इस तरह ही है, एक कहंदा सी ना इन्हें, मैं क्या चैनल छड़ दे, चैनल नहीं छड़ दी सी, कैंज छड़ दा भाभी, खर्चा नहीं दिंदा, कैंज छड़ दा? एक जड़ा कहंदा ना ट्रांसैक्शन, मैं तो कहंदी तू ट्रांसैक्शन कढ़ लै, तो मेरे चैनल की इनकम जिहड़ी तू अपने बैंक च सिट्टी आ, वह भी प्रूफ निकल आंदे तुहानू पता ही आ यूट्यूब तो, तू वह कढ़ लै। नहीं, वो सारी जो इनकम थी आपको नहीं देते थे? नहीं भाभी, मैनू तो पता ही नहीं सी मैंने किन्नी इनकम आती, मैंने तो भी नहीं सी पता होंदा। अच्छा, जो चैनल इन्हें मैंने दिता ना कुछ अरसा पहले ही, तो उदो लाइफ टाइम का तुम्हें पता रेवीन्यू निकलता है ना, वह मैं चैक किया, तो मैं सोची पई, मैं क्या कि किया इस शख्स ने, मैनू कहिंदा सी कि इनकम ना पुछ, घर बनाना आपां ने लोड़ च, मैं क्या ठीक हाँ, मेहनत मैं कर रही सी, मैं क्या ठीक है घर बना लांगे। सो पता नहीं वो किरा घर उन्हें बनाया, समझ नहीं आई ना, उन्होंने अगला घर बनाया, अगला घर। हाँ, वो एक्चुअली लेकिन अगला घर बनाया और अपना आखिरी घर खराब किया। आखिरी घर गल इत्थे ही मुकदी भाभी, के इत्थे तुसी भावे 100 ड्रामे करके लोगों नूं बेवकूफ बना लो, उस जात नूं तुसी किंज बेवकूफ बना सकदे? नौज़बिल्ला, उन्हें ऐसी पकड़ करनी है, उस पकड़ तो नहीं छुट सकदा। नहीं तो अल्लाह का फैसला, अल्लाह के हवाले। मैं एंड पे बस यही कहूंगी कि अब आप आगे प्लानिंग क्या है कि आगे क्या करना अपना है? काम मैं तो जमा ही वेली नहीं है, ये तो वेला वा भुड़की जाए। देखो मैं एक मुद्दा चकिया ताकि होर कुड़ियां ना बर्बाद होन, है ना, ये मैं पता, नेचर कैन नॉट बी चेंज। भाभी तुसी 100 साल ला लो, मैं कहती खून का आखिरी कतरा भी पा दो, ये लफ्ज असी नहीं बोले है, वे बोलते ये फितरत नहीं बदलती। सो और फितरत नहीं बदल सकती, उन्हें ये अगे तो अगे करना ही है सारा कुछ, है ना। मैं चाहती हाँ कि होर न्याणे की तकलीफ होंगी भाभी, कुड़िया की नहीं, मैं इन्नी बच्चे रो जाते हैं, बच्चे जो है उनका फ्यूचर क्या है, जो आपका बच्चा है, आपके पहले हस्बैंड ने अगर कुछ भी किया, एक बच्चा वो है और एक बच्चा ये है, ये दो बच्चे क्या लाइफ लेके आगे, इन्होंने जवान जब होना है तो इनका माइंडसेट क्या होगा, इनकी सोच क्या होगी, और ज्यादती कहीं होती है लेकिन वो असर उसका बहुत आगे तक जाता है। नफ्सियात कहती है कि बच्चा जो होता है वो तो पैदा होने से पहले आप माँ का और बाप का असर लेना शुरू कर देता है, जो वहां घर का माहौल होता है वो उनको इफेक्ट कर रहा होता है, तो ये तो पता नहीं कहाँ जाके कहानी खत्म होनी है। तो अबीरा बहुत शुक्रिया, आपका जो गम, जो आपका प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है, उसको सिर्फ बांटने से कहते हैं गम थोड़ा हल्का हो जाता है। अच्छा भाभी, मैं ना एरिया करतूता 20% सामने ले आई हूं, मैं लिहाज पता नहीं किस चीज का कर रही होवांगी, क्योंकि और भी धी भी आई है, मैं नहीं चाहती कि इन्नी गल बाहर एक्चुअली मैं कढ़ना नहीं चाहती, हो दूजे पास निकलिया या जो भी निकलिया। अच्छा, आप ही अपनी एक ऑफिस की कुड़ी बिठा के ने कुछ दिन पहले शो किया, सो जेड़ा जिक्र भी नहीं सी मेरे किता किते भी मेरे ख्याल दे विच भी नहीं, आप ही अपने आप नू जलील करके हमदर्दी लै रहा बंदा पूछे, या तो उरा जिक्र होया होवे किते, फिर तो कुड़ी कढ बाहर, तो आप ही कढ रहे वा कि जो तू ऑफिस भी कोई कुड़ी रखी सी, मर्दा विच कुड़ी दा की लैना देना, की एडिटिंग मर्द नहीं कर सकदे, तू इन्नी हैल्प करनी सी, तू उरा खर्चा ला देंदा भैणे घर बै, मैं तेनू इन्ने महीने का तेन 20-25 हज़ार इन्ना ही दिता होना, ना मैं तेन दे दिया करांगा, तू ऑफिस क्यों रखिया, जे तू एडा गैरतमंद, तू एडा हमदर्द आ कुड़ियां दा, मेरी बच्ची भैन कौन अपनी बच्ची भैन जिहड़ा 20-20 मर्दा दे विच बिठांदा है नौकरी वास्ते, दसो आप ही निकल रहा वा, अपने आप नूं गंदा कर रहा, हमदर्दी लै रहा वा, ये ड्रामे कर रहा वा, हुण फिर वो शो डिलीट क्यों किया गंदे आंडे ने, जे एडा ही साफ आंडा सी ना, वो इंटरव्यू गंदे आंडे ने किया सी,
ਉਸ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸੀਦ ਭਾਈ ਸੁਣੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਬੀਰਾ ਕਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਧੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸੀ ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਉਹੀ ਕਲਿੱਪ ਲਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਆ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਨੇ ਅਜ਼ੀਬ ਭਾਈ ਅਬੀਰਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਯਾ ਆਪਕਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੋ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਪੇ ਹਮ ਕਹੇ ਕਿ ਹਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਿਡ ਵੋ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਨਰ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸਮੇ ਵੋ ਬਾਤ ਹੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੋ ਜੋ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜੋ ਮੁਝੇ ਹੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਲਗੀ ਮੈਨੇ ਵੋ ਉਸਕੀ ਤਾਈਦ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਤਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣਾਨੇ ਆਈ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਕੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਲੋਕ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਜਿਤਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਠੰਡੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਸਕੋ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਖੁਦ ਗੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੰਦਾ ਕਰੇ ਤੋ ਯਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਆਕੜ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਗਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ किसी बंदे का कोई अमल दखल नहीं होता तो इस दुआओं के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं कि ये इस मामले को अल्लाह मियां को बेहतरीन तरीके से हल करे अबीरा के लिए हम कुछ कर नहीं सकते जो उसके साथ हो चुका वो जाहिर है उसकी जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो गया अगर वो किसी जगह उसमें कोई गुंजाइश होती तो मैं जरूर उसके लिए कुछ कोशिश करती लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ बहुत अच्छी विशेज और दुआएं देती हूँ कि अल्लाह मियां उसके लिए आगे मंजिलें आसान करे उसकी मुश्किलें आसान करे वो अपने बच्चे के लिए बेहतरीन करे और उसका बच्चा जो है कल को बेहतरीन दोनों बच्चे हैं वो बेहतरीन इंसान बने और यही सबसे बड़ी मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चीज है दुनिया में पैसे से आगे बहुत कुछ होता है तो ये अपने बच्चों की परवरिश कर रही है जिस मेहनत से कर रही है अल्लाह मियां इसके लिए आसानियां करे इसके साथ ही आप सबसे इजाजत चाहते हैं नेक्स्ट मेहमान के साथ किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।